हेलो गाइस, हम आ चुके हैं हरियाणा की सबसे बढ़िया बगिया में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी पेड़ पौधे मिलेंगे आपको। देखो फल भी मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पपीते हैं और यहाँ पे केले भी हैं और देखो सपड़ी अमरूद जो बोलते हैं उनको, सपड़ी देखो वो कितनी लगी हुई है। अभी छोटा ही वो है पेड़, देखो आप लोग देख सकते हैं। हमारे साथ दोस्त भी आए हुए हैं, अभी हम काली माँ से गए थे वहाँ पर वीडियो भी बनाया था, अभी इसमें भी वीडियो बनाएंगे, एक डाल दिया अभी हमने। आप लोग ज़रूर ब्लॉग देखें मेरा। चलो अभी आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आधा किलो की सपड़ी भी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। देखो आधा किलो की सपड़ी से भी ज़्यादा भी लगी हुई है। देखो देखो हमारे लला मामा की जो बगिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पांच बीघा की बगिया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत पीछे है, देखो बहुत बड़ी है। और ये हमारे राघव महाराज पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और बीसू भी है हमारे साथ, सभी लोग हैं और हमारा आधा स्टाफ अभी नहीं है, अभी हम आपको और दिखाएंगे आगे जाके। चलते हैं। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जो हमारे इधर जो बगिया है उसमें सभी जो काजू बादाम किसमें छुआरे जो भी हैं वो सभी के पेड़ पौधे हैं और सेब संतरा सभी लगते हैं हमारे इधर। आप लोग देख सकते हैं अभी तक किसी बिरिया में बेर नहीं होंगे यहाँ पर। देखो पकने भी लगे वीर, देखो देखो वीर, देखो प्यौंदी बेर है। आपको जैसे चाहिए हो तो बता देना कमेंट में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे इधर नींबू ईबू सभी की व्यवस्था है, यहाँ पर काजू बादाम किशमिश छुआरे जितने किराने होते हैं वो सभी हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखो कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं यहाँ पर बगिया है। और आप लोग देख रहे हैं जो सूरज है वो, देखो अभी दिन शाम होने वाली है। तो गाइस आप लोगों को कुछ और दिखा दें, इसके बाद गाइस घर पे चलेंगे, आप लोगों को फिर से दिखाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें मछली पालन है और जो बीच में लगा हुआ है जो फुब्बारा है इसी से मछली नहाती हैं और इसी में पानी पीती हैं, ठीक है। अंदर देख सकते हैं आप लोग, देखो इसमें मतलब जो पपीता पीता सब इसी में डले रहते हैं, वही खाती रहती है मछली, हर कलर की मछली। अब ऊपर नहीं आ रही इसलिए दिखाते हैं आप लोगों को। देखो कितने अच्छे फूल है, आप लोग देख सकते हैं, देखो कितने अच्छे फूल है इसमें। देखो देखो ये भाई है हरियाणा के, यहीं पर काम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये काजू का पेड़ है और ये बादाम है। तो गाइस ये पेड़ है और संतरा के पेड़ है और जो मतलब वो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अंगूर की बेल आपको दिखाएंगे जरूर। आप लोग गाइस जरूर चलिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये काजू जो मतलब वो है अंगूर की बेल, ये ही है अंगूर की बेल है ये, इसमें काले अंगूर लगते हैं इसमें हरे लगते हैं। और देखो ये अनार का पेड़ भी है इसमें और अभी सेब का भी दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें फूल लगने लगे हैंगे, फूल लगने लगे हैं अभी इसमें लगेंगे, वो भी लगेंगे जो उसके फल हैं वो भी लगेंगे अभी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारे मामा हैं, इन्हीं की जो बगिया है हरियाणा में और ये गाड़ी से अभी आए हैं बगिया में। चलो गाइस चलते हैं घर पे। आज आप लोग देख सकते हैं कि ये सेब का पेड़ है जो कि इसमें बढ़िया बढ़िया फल लगते हैं एकदम मीठे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये काला अमरूद है, ये देखो गाइस हमारे मामा की बगिया में। जैसे आप लोग चाहना संपर्क करें हमारे मामा से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये काली मिर्च का पौधा है, इसमें काली मिर्च लगती है भाई। आप लोग देख रहे हैं ये गरम मसाला का पौधा है, दालचीनी, ये दालचीनी का पौधा है भाई। जूस ये मतलब जो चकोतरा का पेड़ है इसमें संतरे जैसे 4 से 5 किलो तक का फल इसमें लगता है, एक फल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पेड़ आड़ू का है, अभी इसमें लगे ये नहीं है, सेव की वैरायटी है, सेव की वैरायटी है ये। बहुत ही बड़ी बगिया है मामा की हमारे। और नहीं तो आप लोग ये सोचो कि हम चुप्पा चले जाए, जा मैं स्टोर ले जाए, इसमें बहुत ही कैमरा लगे हुए हैं, अभी दिखा रहे कैमरा।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे नाना जो अवैलैया मंगाई हुई है मछली को दाना अभी डालेंगे। आप मछली ऊपर आएंगी, अब वीडियो आप लोग जरूर देखें, देखना कैसी। देखो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मछली यहाँ है, देखो अभी लाई जो डरवाई है, देखो रंग बिरंगी है, देखो देख रहे कितनी है, देखो इनकी बच्चा बहुत है मामा है। पूरी वो बड़ी बड़ी है नाना जामे तो बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी है, एक एक किलो की है ज्यादा। नाना जामे समय एक मछली दो और रुपया बताइए तो हमें दे दिए तुम्हें। तो एक हमें मछली दे दी हमें से लाल वाली भाई तो हम कान जा रहे नहीं भाई निकले इधर ही नहीं पता लगे लाल वाली हम बार भी ना बोले मां आप आगे मार जा मैं बारो नहीं बस ठीक लीवर का पत्ता है जो जिसको भी लीवर में दिक्कत हो वो यही पत्ता ले जाए, संपर्क करें हमारे मामा जी से। आयाना कमेंट में जरूर लिखें ठीक है। आप लोग देख रहे हैं हम अब घर पे जाने वाले हैं, अब शाम हो चुकी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अब फिर कभी मिलेंगे इस बाग में ठीक है, और हमारे साथ बीसू भी है और ये राघव है। सो गाइस हम लोग चलते हैं गाइस ठीक है।